Hello, hi guys, how are you? I'm Niyas Tiwari. Welcome to YouTube listeners, viewers and subscribers. UP TGT art के लिए most important कुछ facts हैं जिन्हें आज हम लोग discuss करेंगे, जो कि previous year से related हैं और बहुत बार repeat हो चुके हैं. ठीक है, 7 questions हैं जिसमें से 2 questions पक्का 125 में आपको देखने को मिल जाएगा. आइए start करते हैं. प्रथम भारतीय महिला चित्रकार कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला, ध्यान रखना है, प्रथम भारतीय महिला चित्रकार सुनयनी देवी जी हैं, सुनयनी देवी. नेक्स्ट जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है एनएस बेंद्रे साहब किस विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रह चुके हैं? तो एनएस बेंद्रे बड़ोदरा विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में कार्य कर चुके हैं. ये सब प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है. देवी प्रसाद राय चौधरी ये किस कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं? तो इन्हें मद्रास कॉलेज में प्रिंसिपल का पद मिल चुका है. मद्रास कॉलेज में देवी प्रसाद राय चौधरी जी प्रिंसिपल रह चुके हैं. एन एस बेंद्रे साहब बड़ोदरा विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रह चुके हैं. ऐसे ही आसित कुमार हलदर जी की अगर बात करते हैं तो आसित कुमार हलदर के लखनऊ कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं. लखनऊ कॉलेज के प्रिंसिपल आसित कुमार हलदर, ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हो चुका है. क्षितिनाथ मजूमदार की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं. क्षितेंद्रनाथ मजूमदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं. ऐसे ही नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कांगड़ा चित्रकला का उपनाम क्या है? तो ये पहाड़ी चित्रकला के नाम से जानी जाती है. कांगड़ा चित्रकला या पहाड़ी चित्रकला किसके समय में खूब ज़्यादा उन्नति प्राप्त की या सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की? तो है राजा संसार चंद्र. राजा संसार चंद्र के समय में पहाड़ी चित्रकला या कांगड़ा चित्रकला सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की है. नेक्स्ट जो लास्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है किशनगढ़ शैली की चित्रकला किसके समय में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की है? तो किशनगढ़ शैली की जो कला है ये राजा सामंत सिंह के समय में, सामंत सिंह के समय में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त की है. तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें. अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें. मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद.